हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं टेक्नो शुभम। तो बात करें रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स में MIUI 12.5.2.0 अपडेट की। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इस अपडेट में आपको कुछ बग देखने को मिलते हैं, तो सारे बग को मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं आई कार्ड में आपको वीडियो दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बात करें आज के इस वीडियो की, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ Redmi Note 9 Pro Max में MIUI 12.5.2.0 अपडेट इंस्टॉल करने के बाद जो सबसे बड़ी बग वाली प्रॉब्लम मिलती है, वो मिलती है फास्ट बैटरी ड्रेन में। जी हाँ दोस्तों, जब आप ये अपडेट इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको अपने फ़ोन के बैटरी परफॉर्मेंस में काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। आपकी फ़ोन की बैटरी ज़्यादा बैकअप नहीं देगी, बैटरी बहुत ही जल्दी ड्रेन हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे यूज़र को देखने को मिली है, बहुत लोगों ने कमेंट करके मुझे बताया और ये प्रॉब्लम खासकर मुझे भी देखने को मिली है। मेरा भी बैटरी बैकअप अब काफ़ी कम हो गया है, 20-30% का डिफरेंस मुझे देखने को मिल रहा है अपने फ़ोन के नॉर्मल यूजेज में। बैटरी उतनी ज़्यादा अब नहीं चल रही है। तो इसका एक सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ टिप्स हैं जिसे आप फॉलो करके अपनी बैटरी को बैकअप को बढ़ा सकते हैं। इसमें से एक टिप मैंने भी फॉलो किया तो मुझे थोड़ा फ़र्क देखने को मिला, बैटरी पहले के मुकाबले थोड़ी ठीक हो गई है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा और साथ में चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो बात करें सबसे पहले टिप्स की, तो आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन को पूरा 0% तक एकदम डिस्चार्ज कर देना है। जब आपका फ़ोन एकदम 0% हो जाए, पूरी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, उसके बाद आपको फिर से चार्ज में लगाना है फ़ोन को ऑफ़ करके। आप फ़ोन को ऑफ़ करके चार्ज में लगाओ, पूरा 100% तक फुल चार्ज करो, उसके बाद फ़ोन को ऑन करो, तो उसमें आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। ये ट्रिक काम करती है, तो ये आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। अगर इसके बाद भी नहीं सही हो रहा था, जो दूसरा ट्रिक है आपका वो ये है कि जो भी आप फालतू के ऐप रखे हो अपने फ़ोन में, जिस ऐप को आप यूज़ नहीं करते, बस ऐसे ही पड़े पड़े वो पड़ा हुआ है, कभी आप उसे ओपन नहीं करते, तो उसे आप अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि वो सारे ऐप भी बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं, कुछ डाटा आपका लेते रहते हैं, बैटरी वगैरह यूज़ करते हैं। तो आप जब उस ऐप को अनइंस्टॉल कर दोगे तो आपको बैटरी में अपने कुछ फ़र्क देखने को मिलेगा। और जो तीसरी टिप्स है या ट्रिक जो भी आप बोलो, आपको अपने फ़ोन में जो आपके फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट बैटरी सेवर का ऑप्शन मिलता है, ये आपको इनेबल करना है अगर आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है। ये देखो, ये Xiaomi की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है आपको बैटरी सेवर का ऑप्शन, आप यहीं से इस फीचर का यूज़ कर सकते हो, यहाँ से आप इनेबल कर लो तो आपको अपने बैटरी बैकअप में काफ़ी फ़र्क देखने को मिलेगा। अब बात करें चौथे ट्रिक की, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको सेटिंग में जाना है, एकदम लास्ट में आप नीचे आ जाओ सर्विस एंड फीडबैक में। यहाँ पे आपको फीडबैक देना है कि मेरी फ़ोन में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद, Redmi Note 9 Pro Max में MIUI 12.5.2.0 अपडेट इंस्टॉल करने के बाद फास्ट बैटरी ड्रेन की प्रॉब्लम आ रही है, बैटरी बैकअप नहीं मिल रहा है। अगर आपको नहीं पता कि फीडबैक कैसे देते हैं, रिपोर्ट कैसे करते हैं बग को, तो मैं यहाँ आई कार्ड में आपको वीडियो दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर देखिए, मैंने इस पर प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है कि कैसे कि आप किसी बग को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको ये बग रिपोर्ट करना है, उसके बाद Xiaomi वाले देखेंगे तो फिर नेक्स्ट अपडेट में इसे फिक्स कर देंगे। बात करें पाँचवे ट्रिक की, तो भाई ये अगर आप सब करके देख लिए आपको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो आपके पास लास्ट ऑप्शन ये है कि आप अपने फ़ोन का सबसे पहले बैकअप लो, उसके बाद आप अपने फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर दो, या तो बोल सकते हो आप रिस्टोर कर दो, सेटिंग में जाके आप फैक्ट्री रीसेट कर दो, आपका सारा जो पुराना डाटा है वो सब डिलीट हो जाएगा, इसलिए पहले आप बैकअप ले लेना। ये करने के बाद ज़रूर आपको फ़र्क देखने को मिलेगा, अगर उसके बाद भी आपका कुछ नहीं हो रहा है तो भाई अब फिर आप नेक्स्ट अपडेट का वेट करो, जब नया अपडेट आएगा उसमें सब फिक्स कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको बैटरी बैकअप अच्छा देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए पहले आपको ये रिपोर्ट करना पड़ेगा बग को, तो पहले बग को रिपोर्ट करो, उसके बाद आप ये नए अपडेट का वेट करो। अब बात करें कि मेरा बैटरी बैकअप कैसे सही हुआ, मुझे काफ़ी फ़र्क देखने को मिला एकदम पहले के मुकाबले। तो मैंने अपना 0% to 100% वाला ट्रिक यूज़ किया, मैंने अपने फ़ोन को 0% एकदम डिस्चार्ज कर दिया, पूरा 0% तक ला के, फिर फ़ोन को ऑफ करके फुल चार्ज किया 100% तक, उसके बाद मेरा फ़ोन अभी सही चल रहा है, अभी मुझे बैटरी बैकअप में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो आपका इस बारे में क्या कहना, आप एक बार कमेंट करके बता सकते हो आपको ये प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर सेट करना। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।